वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को बे इख्तियार कर दिया। हुकूमत ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम कर दी। काबीना इजलास में IGP से पुलिस इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी है। तकरूरी और तबादले अब वजीर आला का इख्तियार होगा। DPO, RPO और एडिशनल IG और DIG के पोस्टिंग अब IG के बजाय वजीर आला करेंगे। आइंदा इजलास के दौरान तरामीम मंजूरी के लिए असेंबली में पेश की जाएगी। मजीद तफसीला जानेंगे मोहम्मद फयाज से। फयाज बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG को बे इख्तियार कर दिया, मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में आज सुबह काबीना का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत सुबह काबीना के अरकान भी शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ जो एजेंडे में शामिल किए गए थे, इसके अलावा जो है पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम का फैसला किया गया और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के जो इख्तियार है वो महदूद किए गए हैं और महदूद करने की बाकायदे मंजूरी दे दी गई है। चूंकि इख्तियार है तो उससे पेश नजर है उनके से ये इख्तियार लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तफवीज कर दिए गए। आइंदा इजलास ये तरह जो के आइंदा इजलास में बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज। पुलिस इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी है। तकरूरी और तबादले अब वजीर आला का इख्तियार होगा। DPO, RPO और एडिशनल IG और DIG के पोस्टिंग अब IG के बजाय वजीर आला करेंगे। आइंदा इजलास के दौरान तरामीम मंजूरी के लिए असेंबली में पेश की जाएगी। मजीद तफसीला जानेंगे मोहम्मद फयाज से। फयाज बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG को बे इख्तियार कर दिया, मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में आज सुबह काबीना का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत सुबह काबीना के अरकान भी शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ जो एजेंडे में शामिल किए गए थे, इसके अलावा जो है पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम का फैसला किया गया और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के जो इख्तियार है वो महदूद किए गए हैं और महदूद करने की बाकायदे मंजूरी दे दी गई है। चूंकि इख्तियार है तो उससे पेश नजर है उनके से ये इख्तियार लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तफवीज कर दिए गए। आइंदा इजलास इस तरह जो आइंदा इजलास में जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज।